अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अजरंदी किचन। आज अपने किचन में सिखाएंगे आपको कुनाफा वर्मासेली, यानी कि एक तरह की सेवइयाँ होती हैं। और कुनाफा जो है अरबी डिश है, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, तो बस हम उसी की सेवइयाँ रेडी करेंगे। चलो चलें बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अज्जा नोट कर लीजिए। एक कप हमने मैदा लिया है, एक कप पानी है, सादा पानी है, हाफ कप कॉर्नफ्लावर, 4 टेबलस्पून ऑयल, वेजिटेबल ऑयल है, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी। मैदा को हमने बॉल में ऐड कर लिया है। अब ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे, चीनी, नमक, कॉर्नफ्लावर। और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे कुनाफा की। इसके बाद मैं आपको कुनाफा की रेसिपी दूंगी इंशाल्लाह, तो आप वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम ये थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और एक इसका स्मूथ सा बैटर बना लेंगे, बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा रनी भी ना हो। ये देखें, पूरा एक कप पानी ऐड कर दिया था, लेकिन अभी थोड़ा सा ये बैटर मुझे थिक लग रहा है, तो एक कप पानी लिया है इसमें से थोड़ा सा ही, तकरीबन 4 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून ऐड किया है। और ये देखें, एक स्मूथ सा प्यारा सा इसका सिल्की सा जो है बैटर रेडी हो गया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बस हमें इसी तरह का चाहिए था। अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे। कोई लम्स वगैरह ना आ रहा है इसमें या फिर कोई चीनी का दाना, तो इसलिए हम इसे अच्छे से छान लेते हैं। बस अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो आप उसमें इसको जो है पोर कर लें। मेरे पास अभी इस वक्त नहीं थे, तो मैंने इसको ये दूध वाली जो पॉलीथीन बैग होती है इसमें पोर कर लूँगी। और बस अब हम इसे रबर बैंड से अच्छे से टाइट बांध लेंगे ताकि लीक ना हो जाए। देखिए इस तरह से, और इस तरह से इतनी क्वांटिटी में मेरे पास एक कप मैदे में इस तरह के दो बैग रेडी हो गए थे, जैसे ये एक बनाया है मैंने। ये देखिए इस तरह से। बस अब हम इसको सीजर से हल्का सा कट करेंगे, बिल्कुल बारीक सा होल बनाएंगे, जितनी बारीक हमें सेवइयाँ चाहिए। एक नॉन स्टिक हमने तवा ले लिया है और इसको हमने ग्रीस किया था, उसके बाद टिश्यू से बिल्कुल से इसको क्लीन कर दिया है। बस अब हम इस पर हल्का हल्का सा अपना बैटर ऐड करना शुरू कर देंगे, राउंड राउंड बनाते रहेंगे हम इसके। स्टार्ट में थोड़ी आपको प्रैक्टिस ना होने की वजह से देखें इस तरह से होगा, क्योंकि ये पॉलीथीन बैग है तो उसका जो हमने एक होल बनाया है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। पाइपिंग बैग अगर आपके पास हो तो आप बहुत ईजीली बना लेंगे, लेकिन यह है कि बनाते बनाते इससे भी प्रैक्टिस हो जाती है। ये देखें, अभी थोड़ी सी मुझे जो पहला बैच है थोड़ी सी हार्ड लग रही है, टुकड़े हो गए इसके, बाकी जो है बहुत सॉफ्ट बनी थी, तो मैंने हल्का सा होल जो है थोड़ा सा बढ़ाया था। ये देखें थोड़ा मोटा सा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, ठीक है। ये देखें कितना ज़बरदस्त हो गया है। ये देखें बस ये हो गई है, बाकी भी हम इसी तरह बना लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। अब ये देखिएगा इतनी सॉफ्ट है। और अभी हमने जो इसको हम इस पे से उठाएंगे ना, तो हमने टिश्यू को गीला करके और उसको निचोड़ लिया था अच्छे से, और उसी से हमने इसको उठाना है। बस ये रेडी हो जाएंगी, इन्हें ठंडा करेंगे। ठंडा करके आप इसको या तो किसी एयरटाइट जार में, ये देखें रेडी हो गई हैं, एयरटाइट जार में रख लें, या पॉलीथीन जिप लॉक बैग जो होते हैं उसमें डाल के आप फ्रिज में रख लें 1 से 2 महीने के लिए। ये देखें कितनी सॉफ्ट हो रही हैं, ये एक कप मैदे से बनी है और हम इसमें से एक पैन हमारा जो है कुनाफा रेडी हो जाएगा। तो नेक्स्ट रेसिपी मैं आपको इंशाल्लाह कुनाफा की देने वाली हूँ। ये देखें बहुत सॉफ्ट बनी है। आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।